चलिए बात बंद, ध्यान दो। टॉपिक हम लोग का स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में क्लास टेंथ का जितना भी कंसेप्ट है शॉर्ट में उसको हम फास्ट में बोलेंगे। दिक्कत है बोल देना, दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ सुनना, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जानते हो सब होगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिस भी प्लेन पर प्लॉट कर तो उस प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस आपका अगर इमेजनरी हो जाए तो उस प्लेन को क्या कहते हैं, कॉगेसर नहीं जानते हैं, उस प्लेन को कहते हैं आर्गेंट प्लेन, या इसी को कहते हैं हम लोग इमेजनरी प्लेन, ठीक है ना। क्या कहते हैं, आर्गेंट प्लेन और इमेजनरी प्लेन। ये तब होगा जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कोई भी एक एक्सिस क्या हो जाए, इमेजनरी। इसको आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े भी होंगे, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तीन नाम, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या इमेजनरी प्लेन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बेसिकली बना था, हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन में, जिसमें आई नहीं होगा, ध्यान देना। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका फॉर्म क्या होता है, जीरो। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट का फॉर्म क्या होगा, एफ जीरो। वाई पर कोई पॉइंट पर उसका फॉर्म क्या होगा, जीरो वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड में माइनस प्लस होता है, पढ़े ना। थर्ड में क्या होता है, माइनस माइनस। और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस। तो क्लास एट का ही तो नहीं, चलिए ये हो गया। उसके बाद अब जानना है क्या, कि अगर कोई आपसे पूछे कि किसी पॉइंट की दूरी x एक्सिस से, मान लो ये पॉइंट अगर 2, 3 है, x एक्सिस से दूरी कितनी है, जब भी डिस्टेंस पूछे मैथ में, खास करके सर्कल में और स्ट्रेट लाइन में, तो आप समझिएगा यहां कौन डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x एक्सिस से दूरी कितनी है इसकी, 3 का हो मीन्स y का पार्ट। अब पूछेंगे y से दूरी कितनी है इसकी, y से इस पॉइंट की दूरी इतनी है ना, किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, 2 बोलेंगे। 2 क्या, 2 यूनिट, इट मे बी सेंटीमीटर, इट मे बी मीटर, मे बी किलोमीटर, मे बी मिलीमीटर, कुछ हो सकता है, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद कोई आपसे पूछे अगर कि कार्टेशियन प्लेन, जिसको हम लोग कह रहे हैं रियल प्लेन भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, इस दो का एक और नाम क्या है, सब भूल गए होंगे इसको, एब्सिसा कहते हैं। और ये क्या होता है, ऑर्डिनेट, दोनों मिलकर के क्या होता है, कोऑर्डिनेट। ये फर्स्ट पार्ट को एब्सिसा, सेकंड पार्ट को ऑर्डिनेट, इसका स्पेलिंग गलती हो सकता है, और दोनों मिल गया तो क्या बन गया, कोऑर्डिनेट, ठीक है। एफसीसा भी हो गया, ऑर्डिनेट भी हो गया, कोऑर्डिनेट भी हो गया। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट का फॉर्म एफ जीरो, वाई का पॉइंट रहेगा जीरो वाई, जेड पर रहेगा तो पढ़ाया नहीं गया, वो पढ़ाएंगे थ्री डी में, ठीक है। चलिए आगे हम आते हैं, कोई भी पॉइंट स्पेस में दिया हुआ है, स्पेस स्पेस कहो या टू डी कहो, दोनों दो डिफरेंट चीज है। मान लो प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन में दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट में सिस्टम दो ही होगा सिर्फ ना, एक होगा एक्स वन y1 और ये क्या होगा x2 y2, सही है। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, AB। AB को डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकालेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या कहेंगे, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये इसका प्रूफ भी सिंपल कॉपी है, कैसे, अब a और b से दो परपेंडिकुलर गिरा होगा, एक परपेंडिकुलर मान लो a से गिरा है, यहां पर गिरा, दूसरा गिरा है b से, यहां पर गिरा, बोलो ये पॉइंट यहां से यहां तक कितना हो गया x1, यहां से यहां तक कितना हो गया x2, ये यहां से यहां कितना हो गया y1, और ये यहां से यहां कितना हो गया y2, फिर यहां से गया एक परपेंडिकुलर। कहो क्यों गिरा है सर, कारण क्यों क्या इसका, इस पॉइंट a b c d e मान लिए, आप बोलिए पहले परपेंडिकुलर गिराने का मेन मकसद क्या है, सुनिएगा, ए बी की लंबाई निकालना है, ए बी तभी मिल पाएगा जब आपके पास बी सी और ए सी मिल जाए, तो बी सी और ए सी तभी मिलेगा जब क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर। तो BC का मान बोलो क्या होगा, BC का मान क्या होगा सर, y2 माइनस y1 होगा, ये y2 है, ये y1, ये y1 होगा, y2 में y1 गया, y2 माइनस y1, इस तरह से बोलो AC का मान क्या होगा, AC का मान क्या होगा x2 माइनस x1, क्या राइट एंगल है ये,
राइट ट्रायंगल में एबी इक्वल टू क्या पढ़ो, एबी इक्वल पर अंडर रूट एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, दैट मीन्स एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। पढ़े हो ना, एसी का मान क्या निकाला है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, और बीसी का मान क्या निकाला है, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हो गया प्रूफ ना, मतलब अगर डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ करने का है कार्टेशियन प्लेन में उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ही होगा। अगर मान लो इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, पढ़ना भी नहीं है, फिर मान लो अगर तीन पॉइंट एक पॉइंट स्पेस में है, मान लो एक्स वन वाई वन और क्या होगा स्पेस में जब भी होगा तो सिस्टम तीन होंगे, एक्स वाई जेड, सिस्टम तीन तो एक्स वाई जेड आ गया, यहां पर भी क्या आ गया एक्स टू वाई टू जेड टू, तब ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तब ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, और प्लस क्या होगा जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, जिसको वेक्टर में यूज भी करते हैं हम लोग, और फिर इसको यूज करके खास करते हैं। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट स्पेस में है तो एक टर्म कौन बढ़ गया, जेड टू माइनस जेड वन बढ़ गया, प्लेन पर होगा तो बस दो ही टर्म होगा, एक्स वन एक्स टू और वाई टू वाई वन। ठीक है, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला यहां भी कहेंगे, यहां भी डिस्टेंस फॉर्मूला ही होगा, प्रूफ भी सिंपल था इसका। अब उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद अगर कोई लाइन आपके पास है और एक बात जान लोगे, यहां पर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर जो लिखे हैं इसको हम लोग बहुत तरह से लिख सकते हैं, चाहोगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर भी कर सकते हो और वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई अगर चाह तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर छोड़ दिए, इसको चेंज शिफ्ट कर दिए, मतलब कि आप चाहें तो दोनों को घुमा सकते हैं या किसी एक को भी घुमा सकते हैं। क्यों कहोगे सर सेम रहता है, क्योंकि माइनस तुम जब कॉमन निकालोगे इससे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, यहां अरे माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स वन माइनस एक्स टू का स्क्वायर ऐसे बनेगा, यहां पर माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, ये बन जाएगा ना, यहां भी माइनस कॉमन निकालोगे यहां पर क्या वाई वन वाई टू आ गया, फिर भी क्या इतने माइनस का स्क्वायर कुछ भी। ठीक है, तो आपका साइन पॉजिटिव रह जाएगा कब, जब माइनस को कॉमन निकाल लोगे दोनों टर्म से, तो ठीक है ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला को आप इस रूप में भी कर सकते हैं, इस रूप में भी और इस रूप में, तीनों में किसी फॉर्म में तुम कर सकते हो, बेसिक कौन है, बेसिक यही है, मतलब साफ भाषा में कहा जाए तो आप अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो किसी को भी मान सकते हो एक्स वन और किसी को मान सकते हो एक्स टू, ऐसा नहीं कि ए ही को मानेंगे, मानेंगे तो किसी को भी, लेकिन इस बात का ध्यान रखोगे कि जो पॉइंट मान रहे हैं उसमें एक्स सीसा को ही मानेंगे एक्स वन, यानी कि अब मान लेंगे ऑर्डिनेट को एक्स वन, क्या एक्स वन तो हमेशा और एक्स सीसा होगा ना, ऑर्डिनेट तो वाई होगा, पहला पार्ट हम लोग मानेंगे एक्स वन, एक्स टू किसी को मान सकते हैं, सही होगा। ठीक है, चलिए तो आपका हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, नोट सब कर लो वीडियो से उसको अच्छे से, ठीक है सब टेंथ का ही है, उसको लिखाना पॉसिबल नहीं होगा। आगे बढ़ते फिर, अगर दो पॉइंट में एक पॉइंट मान लो ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर है जीरो जीरो मान लो, और एक पॉइंट आपका प्लेन पर है, प्लेन पर पॉइंट कौन एक्स वाई है, तब ओरिजिन से किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना होगा इसको पढ़ते हैं डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना होगा सिंपल है अंडर रूट फुल एक्स टू मतलब एक्स, एक्स टू मीन्स एक्स माइनस एक्स वन मतलब क्या जीरो का स्क्वायर करेंगे, प्लस कितना y2 मतलब y, y1 मतलब जीरो का स्क्वायर, x माइनस जीरो क्या x होगा x का स्क्वायर, और y माइनस जीरो y, y का स्क्वायर, दिस इज योर प्रूफ। ठीक है, तो किसी पॉइंट का डिस्टेंस ऑर्डिनेंस निकालना है तो बस उस पॉइंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकालोगे, उस पॉइंट के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकालोगे मिल जाएगा आपको उस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से ऑरिजिन से। ठीक है, अगर एक्स पर पॉइंट रहेगा तो मानेंगे एक्स जीरो इंपॉर्टेंट हुआ है, वाई पर पॉइंट रहेगा तो मानेंगे जीरो वाई। ठीक है, चलिए पॉइंट भी हो गया। उसके बाद अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन और मान लो है एक्स टू वाई टू और दोनों को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है पॉइंट मान लो सी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए एक्स वाई मान लिए, मान लो डिवाइड किया किस रेशियो में एम एस टू एम में, मतलब ए सी एम है एन, दोनों का रेशियो कितना एम बाय एन कुछ हो सकता है यहां पर, तो उस एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका फॉर्मूला होता है एम प्लस एन नीचे होगा एम प्लस एन इंटू एम एक्स टू प्लस
एन एक्स वन और वाई का क्या होगा, वाई का भी होगा एम प्लस एन इंटू एम वाई टू प्लस कितना एन वाई वन। दिस इज सेड टू बी सेक्शन फॉर्मूला, इसको कहते हैं क्या हम लोग, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मीन दिस फॉर्मूला इज फॉर्म फॉर द डिविजन ऑफ एनी लाइन इन ए गिवन रेशियो। किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करने के लिए जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा उस फॉर्मूला को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। जिसका फॉर्मूला ये एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय प्लस एन और एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाय एम प्लस एन। ये इंटरनल हुआ, ये आपका हुआ इंटरनल डिविजन के लिए। और क्लास इलेवंथ में आपको एक और पढ़ना है एक्सटर्नल डिविजन, उसमें क्या होगा जो पॉइंट ऑफ डिविजन है वो उस लाइन पर नहीं होगा, उस लाइन के बाहर होगा। तुम कई बार देखते हो कि एक छड़ी मंड जो बन दिया हुआ है उस स्टिक को हम यहां पर दबाते हैं, दबा दिए समझो जी, इस पॉइंट को मान लो, इस स्टिक को अगर हम लोग यहां से प्रेस किए तो यहीं पर टूटता है। और कई बार देखोगे एक बड़ा स्टिक है उसको यहां प्रेस कर तो यहां टूटता है, देखते हो स्टिक को जहां पर प्रेस किए वहीं टूट गया, उस लाइन पर आ गया तो हो गया आपका वो इंटरनल। और अगर आपका उस लाइन वो पॉइंट जहां पर प्रेस किया वहां टूटा नहीं, हमको हम लोग का था पॉइंट ऑफ डिविजन ये था, ये फिंगर था स्टिक इतना बड़ा, फिंगर यहां प्रेस किया इस पॉइंट पर ना टूट के कहीं और टूटा है तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल डिविजन। उस केस में कुछ नहीं करना है, बस यहां पर प्लस यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां प्लस क्या हो माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, समझे। एक्सटर्नल वाले में सिर्फ प्लस को कर देंगे माइनस, ठीक है। इंटरनल वाले में क्या होगा प्लस का प्लस रहेगा, आपको पढ़ना प्लस वाला ही है, एक्सटर्नल पढ़ना है ट्वेल्थ में वेक्टर में, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो कि पॉइंट सी अगर मिड पॉइंट होता, अगर सी मिड पॉइंट, इफ सी इज मिड पॉइंट, एमपी मतलब क्या हो गया मिड पॉइंट, अगर सी मिड पॉइंट होता तो एसी किसके इक्वल, बीसी इक्वल, जब एसी बीसी के इक्वल तो एम किसके इक्वल, एन के इक्वल, एम जब इक्वल एन के तो एम प्लस एन, जब दोनों आपस में बराबर हो गया जहां एन है वहां एम पुट कर सकते हैं, एम प्लस एम कितना हो गया टू एम, और यहां पर भी जहां एन है एम पुट करेंगे एम कॉमन निकल जाएगा ना, एम कॉमन निकल जाएगा तो एक्स टू प्लस क्या बनेगा एक्स वन, एम कट जाएगा, इसका मतलब कि आपका कोऑर्डिनेट एक्स का मान क्या आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू वाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट ऑफ डिविजन मिड पॉइंट होगा तो आपका फॉर्मूला एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन जो था वो रिड्यूस होकर बन जाएगा एक्स टू प्लस एक्स वन बाय एम टू, एक्स टू प्लस एक्स वन बाय एम कट गया, सड़ा कैसे बोल दिया इसको। और वहां पर भी एन हो गया जो है, यहां भी क्या हुआ एन प्लस एन टू एम हो गया, यहां भी एम बाहर निकल जाएगा, एन के एन पुट करेंगे एम बाहर निकलेगा, ठीक है। ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट का भी हो गया सेक्शन फॉर्मूला भी, उसका प्रूफ भी है, प्रूफ तो काम का भी नहीं है, टेंथ में प्रूफ कर चुके होंगे। तो ये हो गया आपको। उसके बाद एक और ट्रिक है, उसको भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट से इनक्लोज एक ट्रायंगल है उसको एक्स वन वाई वन कहे, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया बी एक्स टू वाई टू है, और सी क्या आपका एक्स थ्री वाई थ्री है, इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो इनक्लोज एरिया है ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड क्यों लिए, चूंकि हम जानते हैं कि एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर अंदर में सॉल्व करने पर निगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, मॉडुलस है ना। फॉर्मूला क्या इसका होगा, फॉर्मूला सिंपल है एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई। याद करने का सिंपल तरीका, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री के बाद एक्स वन बाय टू आया, फिर टू बन दिया थ्री वन आया, फोर टू है नहीं, फिर आया थ्री, फिर वन और टू है, मतलब कि वन से शुरू करना एक्स वन फिर एक्स टू एक्स थ्री, याद मान लो करा उनको, हाफ बार छोड़ दिए, हाफ क्यों छोड़ दिया, एरिया ऑफ टेन हाफ इंटू बेस बार करता निकाल ली बार, एक्स वन शुरू किए छोड़ दिए, एक्स टू शुरू किए फिर छोड़ दिए, एक्स थ्री शुरू किए छोड़ दिए, एक्स वन के बाद क्या आएगा जितना समय स्वामी वाई बढ़ाएगा वन पर टू आएगा, टू के बाद थ्री, फिर टू है क्या आएगा थ्री के बाद वन आएगा, फिर थ्री यहां पहना तो क्या आएगा वन और,
ठीक है, याद रहेगा भैया। और अगर मान लो कि अगर तीन पॉइंट्स को शो करना है कोलिनियर, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आएगा। अभी एक लाइन पर नहीं, एरिया क्या कुछ कम हुआ, ये पॉइंट और नीचे आया, एरिया कुछ और कम हुआ, ये पॉइंट और नीचे आया, एरिया और कुछ कम हुआ, जब ये पॉइंट खिसकते हुए नीचे बिल्कुल यहां आ जाएगा, एरिया घट के जीरो हो जाएगा, एरिया जीरो तो तीनों पॉइंट क्या हो गया कोलिनियर, जीरो इंटू टू जीरो हो गया, इक्वल्स क्या बच गया, यही बच गया जो यहां पर, ठीक है। जिसे मैं कह सकिए ए पॉइंट खिसकते हुए जब सी पा जाएगा, ए सी बी सी पाएगा, तभी नहीं कहेंगे तीनों पॉइंट का कोलिनियर। तो तीन पॉइंट को कोलिनियर तभी कहते हैं जब तीनों पॉइंट से होकर एक लाइन पास करें। ए पॉइंट जब बी सी पाएगा तो तीनों के द्वारा इनक्लोज एरिया घट के जीरो हो जाएगा, जब एरिया घट के जीरो हुआ, जीरो फुट किए, टू इंटू जीरो जीरो हो गया, ये पूरा पार्ट बच गया, इसको यहां पर उतार लीजिएगा। इसका मतलब दिस इज द कंडीशन टू प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनी थ्री पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है। किसी प्लेन पर किसी भी तीन पॉइंट को अगर शो करना है कोलिनियर, तो बस एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू इक्वल जीरो शो करना होगा, ठीक है। तो क्लास टेंथ का ये सब था, टेंथ खत्म हो गया, इलेवेंथ शुरू करते हैं। क्या क्लास टेंथ में इतना सब था, ये सब भी फॉर्मूला हुआ, अब क्वेश्चन जो आएगा उसको बनाना है, तो याद रखो इतना बोले हैं, ऑर्डिनेट एब्सिसा डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला फिर आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला और टू प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनी थ्री पॉइंट्स, क्लास टेंथ का सारा फॉर्मूला है। अगर फिर से ऑब्जर्व करना तो वीडियो देख लेना मैडम, समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक। देखो इसमें चैप्टर जो आपका दिया हुआ है 28 सिर्फ क्लास 10 का बेस्ड है, बिल्कुल 10th ही मान लीजिए, इसको हम पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, उससे बनाइएगा इसको। हम लोग शुरू करेंगे अभी क्लास 11th, देखो स्लोप ऑफ ए लाइन टॉपिक इंपॉर्टेंट यहां शुरू होगा आपका, स्लोप ऑफ ए लाइन। चलो बिल्कुल शांत रहोगे, टॉपिक हम लोग का है स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी लाइन का स्लोप को पढ़ाने से पहले स्लोप का एक और नाम है जिसका यूज खास करके मैथ में तो होता ही है, फिजिक्स में होता है ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन का, ग्रेडियंट भी कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में इसका क्या यूज है देखो, आंसर यहां बहुत सिंपल है। मान लो कि आपके पास कार्टेशियन प्लेन का ये एक्स एक्सिस है, ये है तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन और है वो इस तरह से, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो स्लोप उसे व्हाट इज स्लोप, स्लोप को जाने से पहले जाना पड़ेगा इंक्लिनेशन, मींस होता है झुकाव, ठीक है। कितना झुकाव उस लाइन का, जिस लाइन का झुकाव जितना अधिक होगा उसका स्लोप उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। झुकाव मीन्स एंगल फॉर्म्ड बाय द गिवन लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा उसी एंगल को कहते हैं कि हम लोग हैं इंक्लिनेशन, ठीक है। व्हाट इज थीटा, थीटा इज ओनली व्हाट इंक्लिनेशन, दैट मीन्स कहोगे द एंगल फॉर्म्ड बाय
रेस्पेक्टिव लाइन, रेस्पेक्टिव मतलब यहां पर दिया हुआ लाइन, रेस्पेक्टिव लाइन विद एक्स एक्सिस इन विच डायरेक्शन, इन कॉम्बिनेशन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, या इसी को कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन भी मैथ में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या सपोर्ट व्हाट पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मीन एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूमने लगे तो सोचा कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, ये उल्टा घूम रहा ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसे कहेंगे हम लोग इंक्लिनेशन। यहां पर हम लोग ये लें तो क्लॉकवाइज हो जाएगा ना, आपको लेना है ये एंगल, ये इसको कहेंगे थीटा, और थीटा का मान हमेशा ध्यान रखोगे जीरो या जीरो से बड़ा, बट 180 से क्या लेना है कम, ऑलवेज थीटा का मान जीरो या जीरो से बड़ा बट 180 से कम, मतलब किसी भी लाइन का जब स्लोप निकालेंगे तो उसमें इंक्लिनेशन का मान कभी भी 220, 230, 300, 600, 700 नहीं होगा, जब भी होगा तो इस रेंज के बीच होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको फर्स्ट से सेकंड क्वाड्रेंट तक जाना है, ठीक है। बोलो लाइन को हम ऐसे मान लो कर दिए तो इसका इंक्लिनेशन बढ़ा ही घटा, बढ़ गया और इसे किए और बढ़ गया और बढ़ गया, नहीं बढ़ रहा, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है इसका स्लोप भी क्या होगा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो थीटा को जब भी मापेंगे तो बस दो चीजें, थीटा का मान इसके बीच होगा, थीटा को जब भी मापेंगे तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापेंगे, इसके साथ तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। अब स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप होता क्या है समझो, इसको याद कीजिए तो सिंपल प्रूफ में क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला कैसे प्रूफ करेंगे, स्लोप का मतलब क्लास 11th में आपको हम पढ़ाए हैं, स्लोप इज व्हाट डी वाई बाय डी एक्स, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसी को हम लोग एम भी कहते हैं, दिखाते हैं एम से है ना, स्लोप को, स्लोप को दिखाते हैं एम सिंबल से ऑलवेज, ठीक है। अच्छा देखिए यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का कैसे इसको समझेंगे, ये मान लिया जाए ये एक लाइन था, इस लाइन ने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स के साथ थीटा फॉर्म किया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये लाइन है, लाइन की लंबाई फिक्स है, यहां से गिराएंगे परपेंडिकुलर इस लेंथ को, क्या वाई के एक्स कहेंगे, वाई कहेंगे, और इस लेंथ को क्या कहेंगे एक्स कहेंगे, एक्स एक्सिस पर, चलो डी वाई बाई डी एक्स मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई कितना भी है ये, एक्स कितना है, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई किस रेट से चेंज कर रहा है एक्स के साथ, इसका रेशियो वाई बाय एक्स हुआ, और ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व किए, ट्रायंगल में वाई बाय एक्स को क्या कहते हैं टेंटा कहेंगे, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग क्या कह सकते हैं टेन थीटा, इसका मतलब अगर एंगल दिया हुआ है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा टेन थीटा, एंगल दिया हुआ नहीं, ग्राफ दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है तो स्लोप क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ग्राफ भी दिया हुआ नहीं है न एंगल दिया हुआ है तो आपका भी एक फॉर्मूला पढ़ाए थे वो क्या होता है, वो होता है वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ अभी करते थे। मान लो कि दो पॉइंट है, लाइन ना, लाइन ना एंगल कुछ दिया हुआ नहीं है, ये लाइन मान लो है, एक पॉइंट यहां पर है, इस पॉइंट को हम मान रहे हैं एक्स टू वाई टू, इस पॉइंट को मान रहे हैं एक्स वन वाई वन, पॉइंट पर और पड़कर सही रखते हैं, ठीक है, चलो ध्यान रखना यही इसी एंगल को ना कहेंगे थीटा, चलो यहां से एक लाइन प्रोड्यूस किया, बात नहीं यहां लाइन प्रोड्यूस किया किसके पैरेलल हो रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल, तो ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल, तो ये क्या हो गया ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल तो ये थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग से,
यहां से गिरा दिए परपेंडिकुलर, तो दिक्कत नहीं है, रोक दिए 90 यहां पर, इस पॉइंट को ए मान लिए, इस पॉइंट को बाबू बी मान लिए, इस पॉइंट पी यहां लिए, ठीक है ना, इस पॉइंट से एक्स वन वाई वन से गिराए परपेंडिकुलर किस पर, इस लाइन, इसको मान लो ए एम मान रहे हैं, इस पॉइंट को बी माना गया, इस पॉइंट को तुझे मान छोड़ इसको एम मान, बोलो यहां से बोलोगे स्लोप, स्लोप को क्या कहते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय कितना, बेस, बेस कितना हो गया बी एम, जस्ट पाए ये लंबाई पूरा कितना है y2, ये कितना होगा y1, नहीं होगा y2, ये y1, ये y1, तो ये भी कितना होगा y1, y2 में y1 यही बचेगा, मतलब an का मान कितना आ गया y2 माइनस y1, bm का मान देखो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है x2, x2 ना है, और ये कितना है x1, ये कितना होगा x2 माइनस, ठीक है, तो अभी जस्ट बोले टेन थीटा को इतना कहे, इसको इतना कहे, इसका मतलब थीटा अगर है तो सही है, अगर थीटा नहीं है तो फंक्शन दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, फंक्शन भी नहीं है तो आपको अगर पॉइंट दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, ठीक है, स्लोप को तीनों तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे वो आपको बोल दिया गया, और ऐसे भी आपको हम पढ़ाए थे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का प्रूफ, पीछे के ध्यान ना, उसमें स्लोप को प्रूफ किया, स्लोप डी वाई डी एक्स कैसे होता है, याद नहीं, प्रूफ किया ना ग्राफ को, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स में इसको प्रूफ कर चुके हैं, स्लोप को डी वाई बाई डी एक्स ही क्यों कहते हैं, ठीक है, इसमें मेन आप ध्यान के चीज को जो बोला है, थीटा का मान 0 से 180 के, 180 के पहले तक होगा, थीटा को हमेशा मेजर करना एंटी क्लॉकवाइज में, जिसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन भी कह सकते हैं, और थीटा का मान स्लोप के क्रम में टेन थीटा होगा, यही होगा, ये सब देखो फास्ट में, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, लिखा है ना, है नहीं है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन हुज स्लोप इज, स्लोप इज देखो पहला जीरो, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, और चौथा नॉट डिफाइंड, जिसको इंफाइनाइट भी कहते हैं ना, ध्यान रखना इसका यूज कैसे करेंगे, आपको निकालना क्या है स्लोप, क्या दिया हुआ है इंक्लिनेशन मीन्स एंगल दिया हुआ है, सुनो क्या होगा, पहला एम सिंपल है, एम इक्वल्स सब पढ़े हो क्या होता है टेन थीटा, एम को ही स्लोप कहते हैं, थीटा को कहते हैं क्या इंक्लिनेशन, थीटा का मान किसको होता है अभी जीरो से 180 की जस्ट पहले तक, देखिए एम का मान स्लोप जीरो करा, स्लोप जीरो मीन्स एम जीरो, एम जीरो का मान टेन थीटा, क्या जीरो को टेन जीरो कर सकते हैं, इसका मतलब कि स्लोप जीरो तभी होगा जब इंक्लिनेशन का मान क्या हो, दैट इज क्या कहोगे, दैट इज कहोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नहीं एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तभी ना उसका थीटा का मान जीरो होगा, नहीं होगा, एक लाइन एक्स के होगा पैरेलल तो थीटा का मान जीरो, थीटा का मान जीरो तो कहोगे सर कि स्लोप भी क्या होगा जीरो, उसका हो मीन स्लोप जीरो तभी होगा जब थीटा का मान जीरो होगा, और थीटा का मान जीरो तभी होगा जब वो लाइन किसके पैरेलल, एक्स के पैरेलल, ठीक है, समझ आया कैसे केस को ना, उसके बाद नंबर टू, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव मतलब एम इज मोर देन जीरो, पॉजिटिव मीन्स जीरो से बड़ा ना, स्लोप पॉजिटिव मीन्स एम मोर देन जीरो, एम को कहते हैं क्या टेन थीटा मोर देन जीरो, याद कीजिए टेन पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और किसमें, थर्ड में, थर्ड तो लेना ही नहीं हमको, क्योंकि हम लोग जाएंगे जीरो से 180 के जस्ट पहले तक, थर्ड पे सोचा है, इसका मतलब कि एम इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज बिटवीन जीरो एंड व्हाट 90 से पहले, रिकॉर्ड लो, सीखो, अब ये एम नेगेटिव
एम निगेटिव कब होगा, एम निगेटिव मीन्स टेन निगेटिव, टेन निगेटिव इसमें होगा नहीं, टेन निगेटिव किसमें होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में टेन निगेटिव मीन्स 90 से 180, दैट मीन्स कॉल इट हैपन व्हेन थीटा इज मोर देन 90 बट लेस देन, कोई प्रॉब्लम किसी को? और एक लास्ट है कि थीटा एम इज नॉट डिफाइंड, एम नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट, एम इनफाइनाइट मीन्स टेन थीटा का मान इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को सब जानते हो, लिखते हैं 1090 लिखते हैं, टेन कट जाएगा, इसका मतलब थीटा का मान 90, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन होगा वो किसके परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर, तब उस लाइन का स्लोप क्या होगा, नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बढ़िया इसमें हो गया तुम। एम पॉजिटिव कब होगा, एम नेगेटिव कब होगा, एम जीरो कब होगा, एम नॉट डिफाइंड कब होगा, चार कंडीशन था, चार उड़ाओ फटाफट लिखिए फास्ट में इसको।